मैं महेंद्र कुमार शर्मा, जिला प्रधान रिटायर कर्मचारी संघ सिरसा। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा प्रदेश में स्टेट कमेटी की मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया कि सरकार हमारी जो मांगे हैं रिटायर कर्मचारी संघ की, जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनके भी, आज हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार 10 साल जो हमारी एडवांस पेंशन ले रखी है उसका 15 साल तक कटौती करती है सरकार। लेकिन जो हमारे साथियों ने हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन डाली, उसके द्वारा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अंदर 10 साल जिसके पूरे हो गए उसकी जो पेंशन है वो काटनी बंद कर दी। अब हम मांग करते हैं कि ये जर्नलाइज किया जाए, हमारी जो पेंशन है उसके दुगने पैसे काटते हैं एडवांस पेंशन के। जो मेडिकल कैशलेस की चिट्ठी जारी करी है सरकार ने, वो रिटायर कर्मचारी संघ पर अभी लागू नहीं हुई, जो वर्तमान में कर्मचारी है उन कर्मचारियों को ही मिलती है। और हमारी मांग है, जैसे हिमाचल के अंदर जारी किया है और पंजाब के अंदर जारी किया है 65, 70, 75 और 80 के ऊपर जा करके ये 5-5% बढ़ोतरी जो मिलनी चाहिए वो दो स्टेटों के अंदर लागू है। उसी तर्ज के ऊपर 65, 70, 75, 80, ये 80 साल हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कोई कोई पहुंचता है 80 साल से पहले लगभग एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि हर 5 साल के बाद 5% बढ़ोतरी की जाए। और आज जो जनसंख्या के हिसाब से जो भर्ती होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के अंदर, जनसंख्या 1986 के अंदर बंसीलाल के खिलाफ जब हम आंदोलन कर रहे थे उस टाइम जनसंख्या 1 करोड़ के लगभग हरियाणा प्रदेश की थी, और उस टाइम 5 लाख कर्मचारी थे कच्चे और पक्के मिला करके, जो है वो 3 करोड़ के लगभग है। लेकिन कर्मचारी 2,70,000 पक्के कर्मचारी हैं, 1,65,000-70,000 कच्चे कर्मचारी है, दोनों को मिला करके भी 5 लाख नहीं बनते। रेशो के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, लोगों के टाइम पर काम हो उनके हिसाब से आज 15 लाख कर्मचारी चाहिए। हमारे मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए पूरे देश के अंदर। ये एक बार MLA, एक बार मंत्री बन जाते हैं या MP बन जाते हैं, 3-3 बार बनते हैं, उनकी 3-3 बार पेंशन है। लेकिन हमारा कर्मचारी 35-40 साल सेवा करता है देश की प्रदेश की, उनकी पेंशन लागू नहीं है। जहाँ तक के CRP BSF के जवान हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, अब उनके साथ ऐसा सिस्टम कर रखा है, उनकी भी पेंशन नहीं है। पूरे देश के अंदर हम चाहते हैं कि एक जैसी, हाँ जी, ऐसा है सर, अगर अब आपकी ये डिमांड है, हाँ जी, अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी गई तो इसके आगे आपका क्या कदम रहेगा? इसके आगे हमारी स्टेट कमेटी की जो मीटिंग होगी, जो फैसला लिया जाएगा, हम पूरे प्रदेश के अंदर, हम जो भी फैसला लेगी स्टेट कमेटी उसके अंदर सारे रिटायर कर्मचारी संघ और वर्तमान कर्मचारी जो अब काम कर रहे हैं सारे इकट्ठे होकर के सरकार के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत अगर मसला हल नहीं होता तो आगे आंदोलन, तीखा आंदोलन करेंगे। चंद्रति, पूर्व प्रधान, राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, आज कैसे इकट्ठे हुए? आज जो राज्य कमेटी का आह्वान है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर हम धरना लगा के ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, तो जो मांग है हमारी बहुत अरसे से लटकी हुई है, तो ये जो बुजुर्ग हैं पूरे जिले से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो सरकार के ध्यान में लाने के लिए कि यहाँ जो बेइंसाफी हो रही है बुजुर्गों के साथ उसको दूर किया जाए। वो बेइंसाफी है कि एक तो मेडिकल कैशलेस होना चाहिए, बहुत खर्चे होते हैं बीमारी के ऊपर, तो कैशलेस व्यवस्था हो तो इसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश कम हो जाएगी। दूसरा, हम मांग करते हैं कि भी जो हमारी कम्यूट पेंशन है, वो कम्यूट पेंशन को, ये जैसे अभी मेरे साथी ने बताया कि 65 साल के बाद, 70 साल के बाद, मैं तो इससे भी आगे बढ़ के कहूँगा कि 61 साल का हो जाए तो उसके ऊपर भी बढ़ोतरी कर दो, और 62 का हो जाए उस पर बढ़ोतरी कर दो, 63 का हो जाए 63 पे, 64 का 64 पे, 65 का 65 पे, भरोसा नहीं है किसी का, तो हर साल बढ़ोतरी होनी होनी चाहिए। 20% जब आप 80 साल की उम्र तक कर रहे हो, 1-1% बढ़ाते चले जाओ आप, क्या इसमें कोई अलग बोझ नहीं पड़ना? लेकिन उसको लागू नहीं कर रही है। इसी तरीके से जो और मांगे हैं उनको भी सरकार लटकाए हुए है, तो इससे बुजुर्गों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। प्रधान जी, अब तक आपकी सरकार से किसी तरह की वार्ता हुई, उसमें क्या प्रगति रही, क्या रहा? हाँ, बातचीत हुई है, बातचीत में मानी गई है मांगे। अभी आपने देखा कि सिनेरियो बदल गया है, पहले मुख्यमंत्री खट्टर थे, अब हमारे सैनी साहब आ गए हैं, तो अभी सैनी साहब है, कल का भरोसा नहीं है कि कल को कोई और मुख्यमंत्री का बदल दे, तो ऐसी हालात में
अब ये जनता क्या करे, मतलब बुजुर्ग है इनके सिवाय, ये जो है इनके सिवाय आंदोलन के और कोई रास्ता नहीं बचता है। आपको सरकार ने कोई आश्वासन दिया उस पर खरी उतरी है? नहीं उतरी है, उससे भारी गुस्सा है कर्मचारियों में कि सरकार ने जो वायदे किए उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। मान लिया कि हम कैशलेस व्यवस्था लागू करेंगे, नहीं कर रही है, करने के लिए टेस्ट कर रही है, एक एक डिपार्टमेंट के लोगों को मत्स्य पालन को दे देंगे तो बाकियों को क्यों नहीं दे रहे, उस पर क्या दिक्कत आ रही है? तो मतलब सरकार की जो पॉलिसीज है मैं समझता हूँ कि जन विरोधी है। मैं जोगिंदर सिंह प्याणा हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का स्टेट प्रधान मैं रहा। 2003 दे विच मैं रिटायर होया। अब मैं रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा का स्टेट का वाइस प्रधान हूँ। चलो आज मेरे से पूर्व साथियों ने जैसे बताया कि स्टेट की पिछले महीने 26 जून को मीटिंग हुई थी रोहतक के अंदर, उसमें फैसला लिया गया कि आज के दिन सभी जिला हेडक्वार्टरों पर रिटायर कर्मचारी संघ के जो कार्यकर्ता हैं इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद ज्ञापन डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको दिया जाएगा। वैसे अनेकों बार पीछे जब से ये खट्टर सरकार बीजेपी की सरकार आई है हमने अनेकों बार पत्राचार किया है, ज्ञापन भेजे हैं सरकार को, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैठकर सरकार बातचीत करे, पर सरकार ने बातचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं की। वैसे तो ये कितनी एक हास्यास्पद बात कहें कि एक तरफ तो बुजुर्गों के मान सम्मान की बात करती है सरकार, दूसरी तरफ उनसे बात भी नहीं करना चाहती। बातचीत करेंगे, कुछ साधारण मांगे हैं वो नहीं कर सकती हैं। वैसे कुछ मांगे जैसे मेरे से पूर्व साथियों ने जिक्र किया कि हमें जो 80 साल की उम्र में जाकर 20% पेंशन की बढ़ोतरी करते हैं तो उसको डिवाइड करके जैसे पंजाब के अंदर हर 5 साल बाद 5% की बढ़ोतरी है उसी आधार पर कर दिया जाए। और पिछली सरकार जब हुड्डा जी थे मुख्यमंत्री उस समय भी हमने दबाव डालकर ये मांग मनवा ली थी विधानसभा के उसमें मंत्रिमंडल की मीटिंग में, उन्होंने पास कर दिया। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, इतने में चुनाव हुए, उनकी दोबारा सरकार नहीं आई, वो लागू नहीं हुआ, इन्होंने ठंडे बस्ते में। तो ये बड़ी जायज मांग है रिटायर कर्मचारियों की, पर अफसोस है कि इन्होंने वो भी पूरा नहीं किया। अब जैसे आपने पहले भी सुना है कि जो हमारी कम्यूटेशन है पेंशन लेते हैं तो हमारा पैसा है 10 साल में पूरा हो जाता है, फिर ये 15 साल तक क्यों काटते रहते हैं? तो ये एक जायज सी मांग है। दूसरा, हम ये रिटायर कर्मचारी हैं, देश के नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हमारा फर्ज बनता है कि आज जो सरकार निजीकरण की पॉलिसी अपनाए हुए है, पक्के रोजगार नहीं दे रही, कौशल रोजगार निगम है, दूसरी तरफ देश के अंदर सेना के जो हमारे फौजी जवान हैं बच्चे जाते हैं उनको वो अग्निवीर योजना के तहत भर्ती करी है, तो हम ये चाहते हैं कि पक्की भर्ती करें, अग्निवीर की जगह उनको भी पक्का जैसी पॉलिसी है उस तरह पक्के फौजी लगाया जाए, ऐसी हमारी सामाजिक मांगें भी हैं। हाँ जी, जी आप